Hi, this is Neeraj Garg and you are watching class 10th chapter 3, pair of linear equation in two variable, exercise 3.6, question number 1, second part. Solve the following pair of equation by reducing them to a pair of linear equation. हमें दो equation given है, पहले इनको हमें reduce करना है in the form of linear equation, मतलब ax plus by plus c is equal to 0 की form में, और उसके बाद उनको solve करना है, ठीक है? तो इसमें हम letting करेंगे, let 1 upon root x that is equal to p and 1 upon root y that is equal to q. जब इन value को हम इस equation में डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2p plus 3q is equal to 2, ठीक है? और second equation हमारी आ जाएगी 4p minus 9q that is equal to minus k 1. ये हमारी आ गई first equation और ये आ गई हमारी second equation, ठीक है? इस second equation को यहाँ लिख लेते हैं 2p के नीचे, तो ये हो गई 4p minus 9q that is equal to minus 1, ये हमारी second equation हो गई। अब देखो इसको, इन दोनों equations को हम किसी भी method से solve कर सकते हैं। हमारे पास तीन method होते हैं, elimination, substitution, cross multiplication, जिससे चाहो उससे solve कर सकते हो, ठीक है? मैं इसको elimination method से solve कर रही हूँ, तो elimination method से ही solve करने के लिए यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, तो हमने क्या करना है, इस equation को 2 से multiply कर देना है। जब हम इसको 2 से multiply करेंगे तो ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 4p plus 6q is equal to 4, ये हमारी third equation आ गई, ठीक है? दोनों को minus कर देंगे, minus करने में sign change हो जाते हैं, ये भी minus और ये भी minus, ये cancel हो गया, ये आ गया minus 9 और minus के 6 मतलब minus के 15q और ये हो गया minus 1 और minus के 4 मतलब के minus के 5, तो q is equal to कितना आ गया, minus 5 upon minus 15 और ये minus minus cancel हो गया और ये आ गया 1 upon 3, it means हमारे पास q की value आ गई 1 upon 3, ठीक है? इस q की value को हमने किस में put करना है, first में या second में किसी में put कर सकते हो, तो putting in 1 कर रहे हैं, में जब हम put करेंगे तो ये है 2p plus 3q is equal to 2, तो 2p plus 3q, q की जगह आ जाएगा 1 by 3 is equal to 2, इस 3 से 3 cancel हो गया, तो 2p is equal to आ गया 2 minus 1, then p is equal to आ गया 1 upon 2, ये हमारी p की value आ गई, ठीक है? अब हमें x और y की value निकालनी है, p हमने क्या let करा था, 1 upon root x, तो p की जगह पे हमने डाल दिया 1 upon root x, that is equal to 1 upon 2, then हमारे पास reciprocal कर दो या cross multiply कर दो, कुछ भी कर सकते हो, एक ही मतलब होता है, तो root x is equal to कितना हो गया, 2, और x is equal to क्या हो गया, कैसे आएगा, squaring both side कर देंगे, ठीक है? इसका भी स्क्वायर कर दिया हमने और इसका भी स्क्वायर कर दिया, ठीक है? तो ये हमारा x आ गया और यहाँ आ गया हमारा 4, इस तरीके से हमारी x की वैल्यू आ गई। सिमिलरली हम y की वैल्यू भी निकालेंगे, हमें q is equal to given है 1 upon 3, ठीक है? q की क्या थी, 1 upon root y, तो 1 upon root y is equal to क्या, 1 upon 3, cross multiply करा तो root y is equal to कितना आ गया, 3, squaring both side कर दी मतलब, ठीक है? तो हम इस तरीके से स्क्वायर कर दिया इनका दोनों साइड से, तो ये y is equal to क्या आ गया, 9 आ गया, तो इस तरीके से हमारे आंसर हो गए। होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अगर कोई भी डाउट है किसी भी चैप्टर में तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ऑल द बेस्ट।